गुवाहाटी पर और गुवाहाटी में आज AR रहमान का कंसर्ट देखने के लिए और लाइव होगा, वो भी आपको दिखाऊंगा रिकॉर्डिंग में। और मैं आज, मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैवल है और मैं कभी भी, मतलब उससे पहले काफ़ी सारे ब्लॉग बनाया लेकिन एक भी ब्लॉग मतलब मैं ट्रैवल नहीं किया। आज मेरा फर्स्ट ट्रैवल रहेगा और यहाँ से मैं गुवाहाटी जाने के बाद मतलब मुझे ट्रैवल कैसे करना पड़ेगा और मैं मतलब कहाँ पे रहता हूँ नाइट पे और रात में मैं कहाँ पे रहने वाला हूँ, सब कुछ आपको देखने के मिलेगा। लेकिन मैं आज अकेले ही जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई भी फ्रेंड नहीं है और मैं अकेले ही अभी जा रहा हूँ गुवाहाटी पर वो AR रहमान का कॉन्सर्ट लाइव देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से मेरा ब्लॉग। और मैं अभी यहाँ से मतलब मेरा ट्रेन का टिकट बुक करने वाला हूँ और अभी मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। सर नलबारी ट्रेन के रहो सर दो सुन दोटा टिकट कोई गुवाहाटी टिकट আছে নেকি सो गाइस मैंने अभी यहाँ से टिकट बुक कर लिया और मैं अभी ट्रेन में जाने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ से गुवाहाटी ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 150 किलोमीटर है और यहाँ से शुरू करते हैं मेरा ट्रैवल। बस मेरा ये सीट है और मेरे साथ ये भाई भी मतलब जोरहाट से आए हैं और जोरहाट से मतलब गुवाहाटी जा रहा है। भाई ट्रेन में ट्रैवल करना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। और सुबह कितने बजे उठा था ट्रेन में? 6:30 अभी तो 3 o'clock हो गया ना। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ गुवाहाटी में मतलब हमारा एग्ज़ाम है इसलिए जा रहा है, इन भाई का एग्ज़ाम है तो इसलिए जा रहा है। ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, मेरा भी आज फास्ट ट्रैवल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ट्रेन में मतलब कोई भी तरीके से गुवाहाटी की जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं है और 10 मिनट की बात है ना। बजे निकला घर से और अभी शाम 3 बजने वाले हैं। बाइक मिल रहा है जाने के लिए ना, तो पल्टन बाज़ार में आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब मैंने यहाँ पे आया तो मुझे बोला कि बाइक से जा सकता है, 200 रुपया है पल्टन स्टेडियम जाने के लिए। और मुझे एक हेलमेट मिला है और मुझे फिर स्टेडियम तक पहुँचा देगा, फिर मुझे 200 रुपया है भाड़ा। गुवाहाटी में पहली बार, मतलब आज फर्स्ट टाइम मैं गुवाहाटी आया। देखिए प्रोग्राम सब आई सर, प्रोग्राम सब आई सर। कितना प्रोग्राम? प्रोग्राम तो अपना
চারিটা বজাত গেট ওপেন করব সাতটা পরে আরম্ভ হয়েছে আটটা সাত কোপা আইসা শামপুর 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 কোন জায়গা ইয়ার রাখতে কোথায় দশ পনেরো মিনিট লাগবে বর্তমান স্টেডিয়াম বাথরুম মিল যায় নমায় হ্যাঁ यहाँ पे देखिए वेलकम टू बरसापारा, प्लीज कीप द एरिया क्लीन। मतलब अभी बरसापारा रोड है यही, इतनी जगह नाम की कौन बरसापारा मैं इतना नहीं बोलेगा निकी तो गाइस मैं अभी यहाँ से मतलब खत्म है मेरा जो ट्रैवल है। गाइस बरसापारा स्टेडियम जाने के लिए अगर आपने टिकट बुक करके रखी है पहले ही तो आपको यहाँ से जाने के लिए देगा पास है तो आपका पास। यहाँ से मिनिमम और भी एक किलोमीटर जाना पड़ेगा पैदल से। तो दादा ये तो मैंने मैंने टिकट आसे ही जा पार ना निश्चय। यार पर आरो किमान जाव लागিব आधा एक किलोमीटर आधा किलोमीटर मतलब यहाँ से और भी आधा किलोमीटर जाने के बाद हमें स्टेडियम मिलेगा बरसापारा। ठीक है दादा भले ही समझ कहा थी। सभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और पैदल जा रहा हूँ और यहाँ से कितना दूर जाने का बाद मुझे बरसापारा स्टेडियम मिलेगा पता नहीं, लेकिन उन्होंने भाई ने तो कहा कि आधा किलोमीटर जाने के बाद मुझे मिल जाएगा। मैंने पेटीएम से टिकट बुक किया था और टिकट में मेंशन नहीं है कि कितना नंबर गेट है, तो वहाँ पे गया बोल रहा है कि गेट नंबर मेंशन है दो में जाओ। फिर अभी पहले एक नंबर पे गया तो नहीं मिला, फिर पाँच नंबर पे गया नहीं मिला, अभी बोल रहा है कि दो नंबर पे जाने के लिए, तो अभी दो नंबर जाने के बाद पता चलेगा क्या हो रहा है। আহিবলগা হয়েছে কারণটা হয়েছে মোর ইষ্টেণ্ড পাত মানে লই সোমাব নিদিয়ে তোমাকে কোথায় আসলে থাকলো ইষ্টেণ্ড পাত কোথায় হলো একটু এলাও নাই মানে ভিতর নেই যা সকতা এসে বল রে তো ইসলে মে ইস দোকান পে অভি ছোড় কে যা রাও আর জানে কা বাদ প্রোগ্রাম খতম হোনে কা বাদ মে ইসকো ফির লে সকতা হু আপ ভি মতলব ইয়াহ সে হো না ইয়াহ সে নি ইয়াহ পে চেকিং মে আপ না গেট মে আছে কোন আইগা ইয়াহ পে ইয়াহ রহমান तो आपका टिकट तो नहीं लगेगा शायद फ्री है। हम लोग का टिकट नहीं पास है। पास है पास पास। आपका नाम क्वींडेका। तो मैं अभी अंदर चलता हूँ, मतलब मुझे मैंने सोचा था कि इस सेल्फी स्टैंड से मैं रिकॉर्ड करूँगा, मतलब मेरा अभी नहीं होगा। दादा यूट्यूबर ना गाइस मुझे नंबर गेट फाइव नंबर मिला है क्या सीखी गया। अभी मुझे स्टेडियम मिलेगा शायद ऐसा लगता है और बहुत ही खूबसूरत अभी अच्छा लग रहा है। मतलब पहले जब आया था ना बहुत लोग है और यहाँ से अभी फ्री जैसा लगता है। गुवाहाटी का बरसापारा स्टेडियम है और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है मुझे। और ये देखिए यहाँ पे ए आर रहमान प्रोग्राम करने वाले हैं, आज जो लाइव प्रोग्राम चलेगा यही है। Por ahí
Thank you.